आई थिंक <laughs> सामने वाले को भी भोपाली होना पड़ेगा मुझसे भिड़ने के लिए <laughs> <laughs> कि एक सेकंड भाई साहब क्या बोल के निकले आप अभी उनको बताना जरा वापस so, <laughs> तो मेरी तो थोड़ी मिश्रित भाषा भी है ना एक अल्फा मेल अल्फा फीमेल का कॉन्सेप्ट होता है ना कि एक रिश्ते में एक कोई हो सकता है अल्फा वॉट इफ बोथ आर अल्फा वी रियलाइज एट दैट टाइम ऑफ द मंथ हर्स क्लाशेज विद माइंड बिकॉज आई ऑल्सो गो थ्रू इट <laughs> Every male goes through it while watching animal. Hmm. We walked out midway. Oh, like नहीं हो रहा नहीं हो पाया नहीं हो रहा हेलो एवरी वन दिस इज इंस्टेंट बॉलीवुड मेरे साथ दो बहुत ही ज्यादा प्यारे लोग हैं प्यारा कपिल है विवेक एंड दिव्यांका सो नाइस टू हैव यू ऑन वैलेंटाइन स्पेशल आज हम पहली बार आप इंस्टेंट बॉलीवुड से बात कर रहे हो सो वेरी एक्साइटेड इंटरव्यू जाने वाला है मेरा <laughs> सबसे पहला सवाल आपके लिए ये है सच अ लॉन्ग टाइम एंड इट नॉट ईजी जितना रोजी और प्यारा लगता है उतना ही ज़्यादा रॉकी भी हो जाता है एक रिश्ता संभालना वॉट इज नाट वन थिंग जो आपको लगता है मेड यू बोथ सस्टेन इन दिस रिलेशनशिप इन अ स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ जेनुइन डिज़ायर टू बी टू कैदर जहाँ आप चाहते हो कि हाँ हमें साथ रहना है इसीलिए चीज़ों को वर्कआउट करना है hmm. सो so, आप जब किसी भी चीज़ को शिद्दत से पाना चाहो करना चाहो तो आप कर ही लेते हो ना वो फिर आपका काम हो या फिर आपका रिश्ता हो सो so, आप हर चीज़ वर्कआउट करते हो आ, वो फिर कहीं थोड़ा एडजस्टमेंट हो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो अंडरस्टैंडिंग हो एट टाइम्स चुप हो जाना हो मौका देख के सो yeah. या so, yeah, बहुत सारी चीज़ें हैं yeah. एक कोई वेरिएबल नहीं को, काफ़ी कुछ है कुछ. मसाला मूवी है जो एक रिश्ते को बनाने में जाती है कई बार समझाना पड़ता है अपने आप को hmm. कई बार uh, हम लोग जब दो लोग साथ में आते हैं तो इट इज़ बाउंड टू हैपन दैट यू हैव डिफ्रेंसिस पर्सनैलिटी क्लैशिज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन आवर केस बोथ ऑफ अस आर वेरी हेड स्ट्रॉन्ग वी बोथ आर ओपिनियनेटेड वी बोथ हैव डिफरेंट परसपेक्टिव ऑन लॉड ऑफ थिंग्स बट वेरी अर्ली ऑन इन आर मैरिज आई रियलाइज दैट यू नो देर इज़ नो हार्म इन लेटिंग द ईगो गो आई थिंक सबसाइडिंग द ईगो And hearing the other person, and then understanding that uh, she comes from a different walk of life than me, and it is very important that I also hear her. Hmm. Uh, so that I think for me that has always been the case. ये सोच के मुझे ख्याल आ रहा है हम मुझे याद आ रहा है नरसंकुच हमने एक दिन था ऐसा जब realise alpha male alpha female का concept होता ना कि एक alpha में एक कोई alpha. वॉट इफ बोथ आर अल्फा बी रियलाइज कि ये अपने आप में ये भी अल्फा है मैं भी अपने आप में अल्फा हूँ यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड अपने आप को थोड़ा समझाना भी पड़ता है खुद को तो mm. so, अपने आप पर बहुत वर्किंग लगती है और जो हम दोनों ने किया है आई एम श्योर आई आई एब ही अग्री ऑल्सो मैं आप दोनों का एक इंटरव्यू देख रही थी एंड वेन यू स्टार्टेड गोट टू नो ईच अदर Uh, तभी जो एक साइड होता है बहुत अलग होता है और अब वो कंफर्ट लेवल इतनी हो जाती है ऐसी लाइक यू हैड सेड दैट यू नो दिव्यांका बहुत ही ज्यादा मतलब चुप थी अपने में थी प्रोफेशनल नॉट रियली वेरी मतलब घुल मिलती नहीं थी नाउ व्हाट इज दैट साइड ऑफ दिव्यांका लाइक like, यार ये तो मतलब मैंने सोचा नहीं था कि तुम ऐसी भी हो और वट वॉज साइड फॉर यू थिंकरिटी सो There are things that have changed in me. I have become a little bit like her and she's become a little bit like me so in she is in, uh, in terms of socially for example, mm -hmm. she used to be very uncomfortable pele uh, <laughs> I would talk about a get-together with my friends an impromptu plan so before it was a no-no like a strict no-no that no you, we need I think mentally so people who are introverts they need a little bit of

तबक पड़ो एंड विद हर वॉज कम्प्लीटली सो आई थिंक नाउ स्लोली वेन देर अ प्लान एंड पहले तो एक दिन दो दिन पहले बताना होता था मैडम को नोटिफाई करना पड़ता था कि मैम ऐसा, ऐसा होने वाला है can we do that? बताया क्यों नहीं? भी थे. That how can you do this? I would, like, so kya? Kya hai? I would defend <laughs> like, I would defend because that prepare. is so natural. <laughs> that is so natural to me. True. I said there is no planning. They're only friends. They are not like <laughs> business people or uh, so initially there was a clash. <laughs> so there was, which, there was one more aspect with I'm sorry I'm interrupting, but it's aspect bhi hai I'm also a very uh, I'm a good host. Hmm. I love hosting people. Hmm. So if achana and if someone special to Viv. तो मतलब मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है yeah. फिर mm. मेरे लिए ऐसा है कि इफ द पर्सन इज कमिंग फिर उसका अच्छे से लंच होना चाहिए डिनर होना चाहिए आई शुड आस कि आपने mm. आपको चाय कॉफी में क्या पसंद है आप एलमंड मिल्क लेते हो ओट मिल्क mm. लेते हो आई शुड हैव दोस थिंग्स अवेलेबल आई लव होस्टिंग सो या सो आई आई यूज्ड टू टेल हर दैट यू डोंट नीड टू बी दैट फॉर्मल विद दीस पीपल दे आर जस्ट फ्रेंड्स दे दे बी हैप्पी विद अ कॉफी यू नो एंड व्हाट मैटर्स इज आर गेटिंग टुगेदर एंड नॉट व्हाट वी ऑफर देम So initially there used to be a clash around that. Then slowly, slowly, I started understanding that actually, you know what? She comes from a different school of thought, where she believes in all these things. So let me take a step back and start telling her in advance. So that again Now it's uh, after so many years, it's happened that when I would tell her, she she'd just be like, "Huh, call है पहले पहले मुझे अरेंज करनी होती थी hmm. uh, कटलरी नहीं है नाउ आई बहुत कुछ बदलाव आए मेरे yeah. से मिलने के बाद hmm. अभी हिंदी भाषी हो गए oh, <laughs> <laughs> हिंदी भाषी कहने का तात्पर्य <laughs> <laughs> <रही है। laughs> अब yeah. uh, पहले ऐसा होता था मुझे लगता था यार ये कुछ ज्यादा हैवी हो गया जैसे हमारे घर पे कोई आता था विवेक आपसे मिलने कोई व्यक्ति आए हैं yeah. so, अभी uh, तो ये दिस यूज टू बी वेरी लाइक ओवरवेलमिंग सो नाउ आई 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 एम कंफर्टेबल विद

तो कई बार ऐसा अपना वो कैबलरी देखना अनिवार्य हाँ। है हाँ। आने आया कई बार देख लेना चाहिए है जरूरी है पर ऐसा भी होगा सामने वाले को पता भी नहीं होगा हाँ, नहीं होता है, है। हाँ, सामने वाले को भी भोपाल होना पड़ेगा मुझसे भिड़ने के लिए

Hmm. it's like a drug only and the kind of agility and mobility you get yeah uh, it's truly de-aging mentally at least yeah, and you feel more active and you feel more yeah. energized throughout the yeah. and being so an actor so. you can do anything that's been thrown at you आई थिंक लोग बोलते नहीं की एक्टिंग फिजिकली भी बहुत टायरिंग हो जाता है जब आप बारह बारह घंटे के शिफ्ट करते हो नो वॉक्स अबाउट दैट वेरी इजीली आई एम श्योर वेन आर शूटिंग लाइकलीउटडोर्स दस वेट टू नो वेन इट्स भी हो लेकिन क्योंकि हम लोग जब जाते हैं काम करने हमारे दिन में कई बार दस दस बारह बारह सीन्स ही लगे होते हैं इतने होते हैं कि आपको बैठने का असल में वक्त नहीं मिलता आप अपना शूट करने गए भाग कराए चेंज किया फिर गए आना जाना आना जाना दादा लौड़ा वॉकिंग मतलब मेरा

overflowing with emotions and uh, you have a perspective on something you want to be heard at the same time hmm. so so when that happens nah, then nobody is hearing the other hmm. and that's where the the fight happens yes

को इंटरव्यू किया है वेर आई हैव हु आर इन दिस प्रोफेशन माई क्वेश्चन टू यू जब आप ये ग्लैमर की इंडस्ट्री में हो डज़ इट गेट अ लिटिल डिफिकल्ट बिकॉज प्रोफेशनली भी वो एक तरह का कंपेटिटिवनेस आ जाता है और यू डोंट अलाउ दैट बिटवीन स तो कभी भी नहीं आता बिल्कुल हमारा वैसा कुछ नहीं है इसमें टीम वेयर इन शी कम्स एंड सीन और एनीथिंग विद अ ट्रस्ट दैट आई विल ओनली गिव हर एडवाइस दैट भी बेस्ट फॉर हर बेस्ट सुटेड टू हर बिकॉज आई नो हर स्ट्रेंथ्स एंड मे बी एन ऑड वीकनेस हेयर देयर बट मेजरली स्ट्रेंथ्स आई नो सो आई नो दैट शी कैन डू बैटर शील शो मीन अच्छा मोटिवेशन आई गैट ड्रिवन बाई पीपल टेलिंग मी वैन दे क्रिटिसाइज माई वर्क आई शो समे से क्या किया तुमने कैसा स्टेप है फॉर एग्जाम्पल डांस शो किया ये तुमने सीन कितना खराब किया है Okay, blunt. she's Haan. blunt. Hmm. Like tell me on my face that yeah. you are stupid in this. ha So same thing I used to apply. And she's the opposite. कि थोड़ा प्यार से हाँ. She Haan. she would always <laughs> expect ke aisa nahi matlab wo bola hmm बहुत अच्छा एफर्ट किया. Because hmm. see she is not wrong. It's just two different philosophies. True. Because effort तो किया ना किसी ने. So she's always told me over the years that mm. I still put in my effort. Whether yeah. or not it was good enough for XYZ mm. doesn't take that effort away or the hard work away mm. from what I've done. Mm. So now I think.

अरे वर्ट अब माई फर्ट आई एम थिंग माई हेड बट आई स्टिल गिवेन माई बेस्ट इसमें क्या है ना हम लोग की अब्रिंग बहुत डिफरेंट है एल्डर गर्ल्स फिर एक छोटा भाई था सो पेरेंटल सपोर्ट हमेशा ऐसा होता था वो पॉजिटिव मोटिवेशन देते थे वेरी right. गुड uh, बेटा बहुत अच्छा किया बट बट एंड अगली बार ना इसमें ये करना Haan. क्योंकि अब तो हो चुका है यू कांट अमेंडेड कैन थिंग इफ यू कांट अमेंडेड तो वो प्यार से बताएंगे अच्छा अब अगली बार ना इसको ये कर देना सो यू यूर ब्लोटेड विथ है

घनी सुथरी लागे है ऐसा नहीं होता ठीक है <laughs> ना जनरली नहीं होता है yeah कभी है। कभी बहुत अच्छा मूड होगा तो ऐसा <laughs> तो कभी तो बोल नहीं करेगा अदरवाइज इट्स ऑलवेज लाइक कैसे लग बढ़िया चल ठीक है सो आई थिंक वो शुरू से पापा ने मुझे ये बोल के कि अगर कुछ बहुत अच्छे लग रहे हो तो ज्यादा कॉम्प्लीमेंट एक्सपेक्ट मत करो और जब खराब लग रहे हो तो ज्यादा वो भी मत एक्सपेक्ट करो कि कोई आके ऐसा सो जब कुछ अचीव कर लिया तो सेलिब्रेट मत करो और जब कुछ नहीं अचीव किया तो उसको लेके रो के बैठो भी मत सो बी स्थिर थोड़ा न्यूट्रल सो yeah. yeah. so, शायद वैसी अपब्रिंगिंग है सो इनफैक्ट ही आल्सो डांसेस एट होम इन फ्रंट ऑफ मी हाउ क्यूट चलो ये तो ही हैज डन दैट कि अगले दिन इनका परफॉर्मेंस है और मुझे कुछ लग रहा था बट क्योंकि पसंद है वैसा वाला या yeah.

हमारे <laughs> बीच में कोई कंपटीशन होता है बट आई लाइक हाउ इट्स गॉन एंड दिस इज सो ट्रू सेम इंडस्ट्री सो इसके एडवांटेजेस भी बहुत है आप दोनों की करियर की लैंग्वेज समझते हो एक दूसरे के व्हिच इज लाइक अ वेरी बिग डील लाइक यू सेड ही पुट्स इन लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इवन टुडे व्हेन वी स्पीक अबाउट रियलिटी शोज बट वो नहीं हुआ है या वो रह जाता है डज दैट रियली गेट टू योर इज इट लाइक नो मोर रियलिटी शोज बिकॉज इवन खतरों के टाइम पे ये सीजन में लास्ट सीजन में हमने देखा था रोहित सर ने आपको एग्जाम्पल दिया था कि यू you नो know, mm. दिव्यांका ने ये टास्क कितने अच्छे से किया था इवन दिस टाइम पीपल रियली वॉन्टेड दैट यू नो झलक में थिंग्स गो अहेड डज इट रियली काइंड ऑफ बॉग्यू डाउन वैन समथिंग लाइक दिस इट हर्ट्स हर्ट्स या ऑनेस्टली क्योंकि uh, मतलब मैं बिल्कुल इसमें आ, कुछ घुमा फिरा के नहीं बात कर पाऊंगी uh, हम लोग तो प्योर एफर्ट प्योर मेहनत डालते हैं hmm. हमें नंबर्स से मतलब नहीं है हमें मतलब हम नंबर्स होता है अ हार्श रियलिटी लेकिन हम पूरी जी जान सब डाल रहे हैं हाँ अगर हमारे एफर्ट एंड टैलेंट या फाइनल आउटपुट को देख कर अगर हमें मार्क्स नहीं मिलते हैं या कुछ नहीं होता है yeah. हम फेल होते हैं सो so, वो सच्चाई है वो एक्सेप्ट की जा सकती है yeah. so, लेकिन अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं यार थोड़ा और चांस मिलना चाहिए था ज़िंदगी में yeah. पूरा तो लगता है और किसी को भी लगेगा हम एक्टर्स हैं तो हम कुछ अलग नहीं है आप स्कूल में भी परफॉर्म करने जाओगे और अगर एक बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है yeah. तो लगता है कि यार आगे बढ़ना चाहिए क्यों नहीं मिल रहा बट सच इज़ लाइव तो हाँ रियाल रियलिटी शोज़ आगे भी अगर हमें कोई ऑफर करेगा तो हमको शायद एक बार डर लगेगा कि yeah. करें ना करें mm. क्योंकि क्या ना बिगनिंग स्टेजेस में अलग होता है जब आपकी लाइफ करियर की शुरुआत हो रही होती है mm. तब कुछ भी हो जाए ना फर्क नहीं पड़ता नाउ यू लाइक नाउ हम काफी mm. कुछ ताक पे रख कर आते हैं काफी अलग चॉइस बहुत सारे और भी चॉइसेस होते हैं कर, mm. अलग अलग ऑफर्स आ रहे होते हैं हम उनको साइडलाइन करके एक प्रोजेक्ट चुनते हैं जी. Mm. और उस एक प्रोजेक्ट में हम भी अपने फैंस को लेके जा रहे हैं उस शो से जोड़ रहे हैं उनकी आशाओं को जोड़ रहे हैं फिर उसको ब्रेक करने करना उसमें हमें भी डर लगता है क्योंकि उनकी उन्हें भी तकलीफ होती है आई थिंक हार्ट सेज हार्ट हर्ट हार्ट फील्स बट माइंड माइंड इज कॉन्स्टेंटली टेलिंग यू बिन अ बिजनेस स्टूडेंट सो आई माई माइंड वेल मी वॉट हैपन टू द लर्निंग्स दैट यू टुक इन द बिजनेस स्कूल इट्स ऑल बिजनेस You know, yeah. It's all numbers. It's all so so. There's a constant battle between the heart and the mind, mm. uh, where the heart feels down and bruised and like broken. That I gave it my all, every ounce uh, of energy, every cell I had put into this. Then why this? And then mind says it's not personal, dude. Take it easy because <laughs> it's all numbers. You were not yeah, giving yes. them numbers, maybe you know there's someone else who's giving you better num who's giving them better numbers yeah. so they're going to retain him hmm. or her yeah. so uh, get on with life move on hmm. don't be a sober <laughs> yeah and yeah. we do move on of course यहाँ पे हम ऑनेस्ट सच्चाई बता रहे बता रहे दिव्यांका विद अदृश्यम बीइंग लाइक सच अट्रॉग रोल एंड इट्स सो नाइस एंड रिफ्रेशिंग टू सी यू प्ले समथिंग लाइक दिस हाउ आर यू फीलिंग बिकॉज दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एवरीथिंग जो पहले हुआ है एंड यू नो यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू ब्रेक द बहू इमेज इन अ वे हाउ आर यू फीलिंग एट दिसल दिस इज वॉटेड फॉर मी Aisa hi kuch project chahiid, she no? has really manifested this. yeah, she has. Uh, during lockdown, she used to think about this, mm -hmm. something doing action wherein she she breaks her image. and then i'll let her continue. <laughs> so she, I, I just wanted to say yeah. that i'm I'm a witness to her manifestation. this, is, this really happens. Yeah. i've learned this from her. and now i have also started imagining things that i want to do. now we're quickly going to jump into a game segment. Sure if bianca gets a dm from her crush mm. how would she react i think she'll share it with me she'll be excited oh, sweet. I, I think she'll just inevitably she'll share it with me i will and, uh, i don't know how i'd be jealous I think, no, yeah no, no. i hope i don't think no 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 I'm not he the won't jealous be i am he won't be he won't be jealous but i she wish. wants to make <laughs> you. Yeah, she does she does try yeah. but it's just not in me हाँ, yeah. you know, yeah. So she has tried a couple of times, Haan. where uh, uh, कोई <laughs> reaction नहीं मिला ना like, <laughs> I wanted a <the> reaction <laughs> You get <laughs> jealous easily? Yeah, she, Haan, do. she does. Cute. ऐसा हमेशा एक होता है, एक नहीं होता है, एक बहुत होता Okay. Uh, what is Vivek's one dish that he can eat for the rest of his life? <laughs> one dish. कल खाई थी माने.

में पैसा टिकता नहीं है मेरे हाथ में। <laughs> कहते हैं कि मोल अगर हाथ के बाहर हो। ऐसे बोलते हैं कि मोल अगर, अगर अंदर हो ना तो आपका पैसा आपके पास रहता है या इसका मतलब होता है है। स्लिप हो जाता है। मेरे तो पास तो, है मेरे, नहीं। तो मेरी दिक्कत मोल है। है। मेरा भी इधर तो आप भी खर्चीले हो गए यहाँ पे अगर होते जेंट हग एंड जिसने हर्ट किया है जिसने हर्ट किया वो क्यों हक देगा नहीं अगर वो हक करेगा ना आपको आके और आपको प्यार से बात करेगा हंड्रेड परसेंट करने, और हार्ट करने वाली हो तो वाली तो वाला कब मुझे नहीं पता बोला, अगर <laughs> वो अगर वाल वो वो हक करेगा तो करेगी okay. जिसने हार्ट ब्रेक किया अगर वो आके हक करेगी जेन्युइनली बात करेगी समझेगी कम समझाएगी नहीं भी ओके ओके एंड एक्टर दिव्यांका वांट्स टू वर्क विद Uh, ये तो दिव्या को नहीं पता मैंने डिस्कस किया है कभी शी शी इज ऑलवेज शोन एडमिरेशन इन व्हिच शी वाचेस अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल कंटेंट तो शी लाइक्स हां आई विल टेल यू नाउ बताओ नाम हां बताओ बेनेडिक्ट कंबर्ट पैच हां ओके इफ विवेक इज एंग्री ऑन सेट व्हाट वुड द रीजन बी एंग्री ऑन सेट

हम जब क्यूज में खड़े होते हैं ये कभी टाइम पे आईडी कार्ड निकाल के नहीं रखते हैं फोन पे टिकट्स निकाल के नहीं रखते और वो भी पार्किंग टिकट पार्किंग टिकट तो खो ही देते हैं उसका ये ऐसे कुछ <laughs> भी कचरा बचरा बना के एंड देन ही वुड थ्रो इट ऑफ एंड देन ही विल ओ वो तो फेंक दिया मैं मुझे ना मुझे <laughs> प्रॉब्लम uh, है जैसे हाँ. just... हाथ में मेरे पेपर आता है ना वो, वो कर मैं करके ना उसका कुछ बना के और फेंक देता हूँ <laughs> पहले तो मैं बचपन में तुमको नहीं पता के ना खा जाता गटक लेता वो कर रहे होते चुपके से फिर मैं अनु करने के लिए ना ऐसे करके ना अनुआई करने के लिए मम्मी को ऐसे सिगरेट पी के दिखाता था उसे क्या बोलते कहा जा रहा एक <laughs> 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 <laughs>

गोइंग रॉन्ग देन आई मैंने बोला था मैंने पांच बार बोला था <laughs> पांच बार तो नहीं, नहीं ज्यादा बोल रही हो तुम पांच बार तक तुम रुकती हो पर नहीं पर पांच बार जब हो जाए कभी हाँ, तब तो ना पर तुम वेट करती हो पांच बार होने का उसके बाद लड़ती हो ऐसा नहीं है <laughs> दो दो तीन में हो जाता है ओके लास्टली व्हाट्स योर लव लैंग्वेज हाउ डू आई एक्सप्रेस हाउ डू वी एक्सप्रेस इन फ्रेंच

Thank you so much. It was so lovely talking to both of you. We wish you both Thank a you. very very happy Valentine's day. I know. Wish and you too a very happy Valentine's day. Yeah. Like, I really I, I wore special earrings. I'm telling cool. cool. the whole team. I wore Valentine earrings. Oh, so this cool. deserves yeah. all the admiration. <laughs> what specially you <laughs> Yes, yes. And wish you all the very best for everything coming in the future. And we hope we see you in a nice reality show that you guys actually win. Yeah. And we're going <laughs> to say this on camera. Thank, <laughs> Thank you thank, you so, much, thank you so much hi this is divyanka tripathi Daya. and this is vivek Daya. please like share and subscribe to instant bollywood <laughs>